आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सोमवार को नगर निगम द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों पर विशेष सफाई अभियान के साथ साथ शहीदों व महापुरुषों की प्रतिमाओं एवं स्मृति स्थलों की साफ सफाई कराने के साथ महापुरुषों की प्रतिमाओं पर नगर आयुक्त द्वारा माल्यार्पण कर नमन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने सर्वप्रथम नगर निगम के प्रांगण में स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन करने के साथ ही नगर निगम मुख्य गेट के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा, बिछिया जेल में स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा, अली नगर स्थित शहीद बंधु सिंह की प्रतिमा, बेतिहाता स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दिया। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत महानगर में चौक चौराहों पर स्थापित महापुरुषों और शहीदों की प्रतिमाओं को नगर निगम द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाकर साफ कराया गया है। साथ ही उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। इस अवसर पर उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में 9 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी में आज से जो अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है, उसके तहत जिन लोगों की वजह से हम लोगों को आज आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है, उन सभी जगहों पर नगर निगम का पूरा प्रशासन वहाँ पर जाकर पूरे जनपदवासियों की तरफ से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, देश को आज़ादी कैसे मिली है और इन महापुरुषों ने देश की आज़ादी में अपना क्या क्या योगदान किया है, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। और आने वाली जो पीढ़ी है, इनके आदर्शों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए, इनसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए देश को नवनिर्माण में, देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकेगी। सर, कब तक चलेगा ये 16 अगस्त तक कार्यक्रम? चलेगा और प्रतिदिन कुछ अलग अलग कार्यक्रम इसमें होने हैं।